नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते आज की खास खबर की ओर। बदायूं जिले के सहजवान के ग्राम नगलावरण और उसके नजदीकी के गांवों में बरसात के चलते बाढ़ आ जाती थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की। इसके बाद बाढ़ खंड प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत की रिपोर्ट बनाकर उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार को भेजी, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीणों की शिकायत को मंजूर कर लिया। जिसके बाद जल विभाग के कैबिनेट मंत्री ने तटबंध बनाने के लिए कार्य योजना बनवाकर कार्य शुरू करवा दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए बरसात के आने वाले पहले ही कार्य पूर्ण कर लिया, जिससे कि गंगा के आसपास सटे हुए गांवों के ग्रामीणों को गंगा के पानी में आने से कटान होता था, उसको लेकर ग्रामीणों को उसकी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो सामना करना पड़े। इसके बाद से खंड प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत से लगन साथ कार्य किया। आज आपने तटबंधों का बदायूं के सहजवान में निरीक्षण किया, क्या स्थिति है वहाँ पे और बाढ़ से? 116 किलोमीटर लगभग हमारे तटबंध है। हमारी कई परियोजना चल रही है राज्य के अंदर भी, बदायूं के अंदर। पिछली बार बदायूं में हमारे विधायकों ने बाढ़ को लेकर बहुत शिकायत किया था और उसके कारण सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह योजनाएं बनाकर उसमें सफलता प्राप्त की, लेकिन इस बार इतनी मजबूती से हमारे इस पर बन रहे हैं, ये सब कटान किसी प्रकार का नहीं हो पाएगा, ना जनहानि होगा ना धनहानि का होगा ना खेत का, और ये कटान हमारे सक्सेस मतलब एक तरह कटान नहीं हो पाएंगे, सक्सेस होंगे। और बांध भी ठीक ढंग से सुरक्षित हमारे जितने तटबंध हमारे और इस प्रकार के सभी हमारे सुरक्षित हैं, और जितनी हमारी परियोजनाएं हैं लगभग वह सभी परियोजनाएं इस समय पूर्ण हो चुकी हैं, यानी बाढ़ के पहले सभी परियोजनाएं ज़मीन पर उतर गई और पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बदायूं जो गंगा किनारे लोग रहने वाले हैं इस प्रकार के, तो वह सुरक्षित रहेंगे, किसी प्रकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। उस समय में कोई कठिनाई आएगी तो भी त्वरित गति से हम अपना यहाँ पर, उस समय भी यदि पानी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इधर 2-3 सालों से यमुना में भी और गंगा जी में भी खतरे के निशान से कभी कभी ऊपर बढ़ने लगते हैं, तो हमारे अधिकारी भी कर्मचारी भी तैयार रहते हैं गांव के सहयोग से भी, और यहाँ के विधायक जी भी हमारे हरीश जी हैं, दुर्गेश जी हैं, महेश जी हैं, सभी लोगों के ध्यान रहता है। मैं विश्वास पूरा दिलाता हूँ कि सिंचाई विभाग से किसी प्रकार को कोई कठिनाई नहीं होगी, आवश्यकता हुआ तो मैं स्वयं भी आऊँगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर गाँववासियों से कहूँगा कि केवल इतना मैं आग्रह करूँगा कि किसी प्रकार का गंगा किनारे जितने भी लोग रहते हैं बसे हैं, बस गंगा मैया से प्रार्थना करते रहें, गंगा मैया को किसी प्रकार का नुकसान न हो, न कूड़े से न गंदगी से, क्योंकि ये माँ है, इसलिए सुरक्षित जल रहे हमें पीने के लिए मिलता है, जिसके कारण मेरा जीवन है। इसलिए गांव के किनारे बसे लोग, सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने को सचेत भी रहे और होशियार भी, मतलब एक तरह का उससे हमेशा निपटने के लिए अपनी तैयारी स्वयं भी करना चाहिए, लेकिन सिंचाई विभाग संपूर्ण तैयारी के साथ है, और हमें नहीं लगता है कि इस बार भी पहले से हमारी जितनी परियोजनाएं हैं सभी परियोजनाएं हमारे उत्तर प्रदेश बधाई नहीं उत्तर प्रदेश में ही परियोजनाएं अधिकांशतः हमारी पूर्ण हो चुकी हैं, लगभग 80-90% के ऊपर हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गंगा जी में भी और गंडक, सरयू, घाघरा, राप्ती और यमुना में भी, ये सभी में बाढ़ की जो भी खतराएं हैं सभी से निपटने के लिए सिंचाई विभाग तैयार है। हाथरस की घटना को लेकर जिस तरीके से, हाँ, दुखद है, दुखद घटनाएं हैं और हृदय विदारक घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं हिला देती है राज्य को, और वास्तव में सभी परिवार, उनके परिवार को जो लोगों का देहांत हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना कि अपने चरणों में स्थान दे और उनको दुख सहन करने की शक्ति दे और आगे ऐसी कोई घटना न हो, उसको सरकार ने चेक भी दे दिया है, सभी घोषणाएं कर दिया है। बदायूं के भी लोग थे, इसलिए सभी परिवार की चिंता कि करने का काम सरकार चेक के द्वारा भी, बाकी भी उनकी समस्या का समाधान और जिनका इलाज चल रहा है सरकार स्वयं देख रही है कि वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, यहीं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ।